विभिन्न घंटियां चढ़ा रखी हैं। रत्वार में रमया समीपम श्री कृष्ण देवाय नमो शिवाय वासुकी नागाय शेष नागाय काल नागाय नमो नमः भगवान। दोस्तों आज मैं आ रखी डुगडुगी सेम जो कि जादुई चमत्कारी पत्थर है। तो यहाँ पे बोला जाता है जैसे मेरी तरफ पसनाना पड़ेगा, जैसे मैं रख रही चप्पल हाथ पे और ऐसे ही पैदल जा रही, क्या करना है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सा सुंदर सा मार्केट चंबा। तो अभी हम जा रहे फिलहाल मंदिर में, और कौन से मंदिर में जा रहे ये आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा। वीडियो को स्किप भी मत करना, वीडियो में बने रहना। अगर स्किप करोगे तो तब आपको कहाँ से पता चलेगा कि हम कौन से मंदिर में जा रहे। तो वहाँ बहुत दूर है यार, बहुत ही ज़्यादा दूर। अब आप इतना गेस कर सकते हो कि कहाँ जा रही है। हम जा रहे मंदिर में प्रताप नगर साइड, और कौन सा मंदिर है ये आपको बाद में पता चलेगा। 10 बज गए, अभी तक हम यहीं हैं। हमें हो रही भयंकर वाली देर, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम मंदिर में और कब तक करेंगे हम दर्शन। तो जल्दी से चलते हम अपनी लोकेशन की ओर। दोस्तों यहाँ पे शनिदेव महाराज का भी मंदिर है। कितना खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया है, बिल्कुल अलग जगह पे सड़क के किनारे। तो ये रोड है चंबा के लिए, और यहाँ से ना नीचे का गांव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो कितना प्यारा गांव है, गांव का नाम मुझे पता है नहीं। तो इस साइड से है कोटी कॉलोनी, वो उधर दिखाई दे रही धार पे, वहाँ पे ना डैम पे लोग बोटिंग भी करते। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हम जा रहे प्रताप नगर की और, बट वहाँ नहीं जा रहे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। हम जा रहे लमगांव की और। अब आप खुद ही गेस कर ले कौन से मंदिर में जा रहे हम। तो यहाँ पे थोड़ी दोपहर हो गई हमें। चलो स्टार्टिंग हार्ट का नज़ारा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखो लेक आजकल ना बहुत ही ज़्यादा कम हो रखी, उस साइड से तो पानी है ही नहीं झील की तरफ, इस साइड से रूखा सूखा हो गया। और स्वामी जी बोल रहे थे कि हम यहाँ नीचे आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे आते थे। पर जब मैं दूर पे थी उस टाइम थोड़ा सा मतलब कम दिखाई दे रहा था प्लेन, और जब पास आई ना अब बहुत ज़्यादा प्लेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आजकल ना पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा, ये जगह पूरी दिखाई दे रही। पहले पानी पूरा यहाँ तक भरा रहता है, जब चौमास का टाइम होता ना उस टाइम पूरा पानी ऊपर तक आ जाता, बट आजकल पानी नीचे है, बहुत ही ज़्यादा नीचे। तो हम पहुंच चुके हैं दोड़ा चाटी पुल में। चुके हैं एक छोटा सा खूबसूरत सा मार्केट लमगांव बाजार। कौन कौन है यहाँ के कमेंट करके बताना। और यहीं से जाना है हमने आगे की ओर जहाँ पे मंदिर है। तो कौन सा मंदिर में जा रहे हम आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे छोटा सा मार्केट है ना, और मार्केट में भयंकर वाला ट्रैफिक लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मार्केट है ये लमगांव। अब है आगे की बारी सेमू खेम की ओर। तो यहाँ के जो गांव है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, एकदम वाव वाले। सेरा के बीच में बसे हैं गांव, और यहाँ ना बीज की जिसको हमारे यहाँ बिजोड़ा बोलते, जो धान होती है रुपाई करने के लिए, वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई यहाँ पे। ये रोड जाती खम्बा खाल के लिए, और ये जाती सेमू खेम, ये जाती आपकी लमगांव की ओर। तो यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, और जो इधर के गांव हैं सारे एकदम वाव मस्त वाले हैं। इस साइड को रहा आपका लमगांव मार्केट, और जो अगल बगल के गांव हैं ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ऐसा ऐसे ये रोड जाती उत्तरकाशी के लिए। तो यहाँ पता नहीं यार लोग भी क्या समझते हैं हमें, हमें पहले ना इस रास्ते का पता नहीं था कि कौन सी रोड जाती सेमू खेम के लिए। तो यहाँ पे एक भैया बाइक में आए और एक लड़की को लाए अपने साथ, छोटी बच्ची, हाँ यहाँ तक लाए, और बोलने लगे कि हमारे बाइक में मतलब मेरे बाइक में तेल नहीं है, इसको जाना है डॉक्टर के पास, आगे तक छोड़ दो। तो ज़बरदस्ती बोलने लग गए, फिर स्वामी जी जा रखे हैं अभी उस बच्ची को छोड़ने के लिए। तो जो भी है
हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगा उस बच्चे की हेल्प की, बट उन भैया को ना लाना नहीं चाहिए था, उसको आगे गांव से लाके आए यहाँ पे बीच रोड पे छोड़ दिया कि इसको ले जाओ आगे की ओर। सबकी हेल्प करना चाहिए, बट उस भैया को ना ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे गांव से लाके आए बच्चे को कि डॉक्टर के पास छोड़ना, वहाँ से लाके आए, बोल रहे कि जबरदस्ती बैठिए और यहाँ से हमें बोल रहे कि इधर तक ले जाओ, फिर जैसे तैसे करके स्वामी जी उसको छोड़ने के लिए चले गए, बट अब आ भी गए स्वामी जी इधर से। यहाँ पे रुके हैं हम क्योंकि यहाँ से लेना है हमें प्रसाद और फिर जाएंगे हम ऊपर सैमुख है मंदिर में, जो कि नागराजा का मंदिर है। दोस्तों इधर से जाना है हमें आगे आगे ऊपर सैमुख है मंदिर में, ये हल्का सा दिखाई दे रहा आपको नागराजा का मंदिर, वहीं जाना है हमने पैदल। पहुँच चुके हैं मंदिर के आसपास और यहाँ से मंदिर ना ऊपर जंगल में है और रोड यहीं तक है, इससे आगे नहीं है रोड। हमने खेम जाने के लिए ना खतरनाक वाला रास्ता है, चढ़ाई चढ़ाई, जैसा कार्तिक स्वामी वाला रास्ता नहीं है, सेम वैसा ही रास्ता है सेम खेम जाने के लिए, तो मेरी बस की तो नहीं है, मेरे फिर जवानी में बुढ़ापा आ गया। आज देखो मैं पीली पीली बन के आ रखी, येलो कलर, और झंडे का भी सेम कलर है। स्वामी जी झंडा ले जा रहे आगे से, रुको मैं दिखा रही थी, दिखाओ ना झंडा, झंडा ये देखो स्वामी जी झंडा फैला रहे। आपको पता है हम पहले झंडा नहीं ला रहे थे, बट ये अचानक से ला गए हम, तो अभी काफ़ी ऊपर है सेम मुखेम का मंदिर। यहाँ के लोग ना कितने भी अमीर हो उनको एक बार भिक्षा मांगनी ही पड़ती है, इनको ना यहाँ वालों को नाग देवता का श्राप या वरदान बोल सकते वो मिल रखा है। टाइम कितना हो रहा, तो दोस्तों यहाँ पे एक बज चुकी है, डेढ़ बज चुकी है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 बजे से पहले हम वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि पैदल बहुत है यहाँ सैमुख हेम जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से मैंने ये हील भी पहन रखी, उनमें कुछ ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल हो रहा जाने में। ये रहा यहाँ का खतरनाक जंगल, इस घनघोर जंगल के बीच में बसा है नाग देवता का मंदिर। तो आज ना मैं जो वो पत्थर नहीं रहता मंदिर में बड़ा सा, उसको भी मैं टच करूँगी आज, आज पता चल जाएगा मुझे मैंने कितने पाप किए हैं, और स्वामी जी के पापों का पता भी चल जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे वैसे वैसे हमें थकान बहुत ज़्यादा लग रही, आपको पता है मैंने चप्पल हाथ पे रख दिए, ये देखो अगर कोई मंदिर जाए ना कभी भी कहीं दूर का मंदिर, तो आप कभी भी गलती से भी हिल वाले चप्पल में मत जाना, क्योंकि मेरी तरफ पसनाना पड़ेगा जैसे मैं रख रही चप्पल हाथ पे और ऐसे ही पैदल जा रही, क्या करना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम अभी है मंदिर के काफ़ी करीब, पहुंचने ही वाले हैं लगभग मंदिर में, तो आपको मिलती हूँ मंदिर में जाके जाने के बाद। दोस्तों यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में बनाए हैं, और जो कल आने वाला पार्ट है पार्ट 2 वो ना इतना मस्त है, इतना मस्त है, झक्कास वाला बोले तो एकदम वाव, जो चमत्कारी पत्थर नहीं है ये पार्ट 2 में आएगा, तो दोस्तों पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है।